एवरीवन, देखिए आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की। इसमें पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम से पूरा बेसिक से आपको करवाएंगे। और ये क्लास उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग आरपीएफ में कांस्टेबल या एसआई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इसमें जो 35 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, उसमें मैं सारे टॉपिक कराऊंगी शॉर्टकट ट्रिक्स से कराऊंगी। तो क्लास वन से स्टार्ट करते हुए हम आपको ट्रिक्स के साथ पूरे रूल्स क्या हैं और सारे डेफिनेशंस क्या हैं वो सारा यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। ए टू जेड समझाऊंगी, जो चीज समझ में ना आए उसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्लास वन है और टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है। और आरपीएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ्स में अगर टॉपिक वन है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले प्राकृतिक संख्याओं से, ठीक है। हम लिखते भी जा रहे हैं, बोलेंगे भी, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी। उसका रीज़न क्या है कि आपको बस उतना ही करना है जितना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना पता होना चाहिए, इसलिए उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि 1, 2, 3 से लेकर जो नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं होंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो सम संख्याएं जो होती हैं यानी कि इवन नंबर्स, इवन नंबर वो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं वो होती है इवन नंबर, ठीक है। यानी कि 2, 4, 6, 8... फिर बात करते हैं ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्याएं हैं, यानी कि 1, 3, 5, 7... ठीक है। और इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से और एक से कटते हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इट्सेल्फ, जो खुद से कट जाए, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 5, 7, ठीक है, फिर 8, 9, 10 नहीं होगा, फिर 11, 13, मतलब ऐसे नंबर जो खुद से कटे, ठीक है। तो ये तो हो गई मेन मेन डेफिनेशंस इसकी। अब बात करते हैं रूल्स की, कौन से रूल हैं ये, विभाजन के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स बता रही हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि कोई नंबर दिया हो और पूछ लेते हैं क्या ये 24 से डिवाइड होता है या क्या ये 99 से डिवाइड होता है, या चार ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे कि कौन सा नंबर 99 से डिवाइड होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको रूल्स पता होंगे तो क्वेश्चन देख कर ही आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखिए विभाजन के नियम में डिवाइड बाई 2, सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है और उसे बताना है कि वो 2 से डिवाइड होती है कि नहीं, तो सिर्फ लास्ट का नंबर देखेंगे। तो रूल क्या है इसका, अगर आखिरी का नंबर, आखिरी अंक 0 हो या सम हो, मतलब कि अगर लास्ट डिजिट या तो इवन नंबर हो या फिर 0 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, 4, 5, 6, 8, 9, 3,
6। अब सपोज ये कोई नंबर दिया, हमको पता करने के 2 से डिवाइड कर होता ही नहीं, तो लास्ट नंबर देखेंगे। लास्ट नंबर देखिए क्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगी, या फिर लास्ट में ऐड करके दूसरा नंबर ले लें। ये फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लेते हैं, जैसे 2, 5, 6, 3, 0। अब देखिए जीरो आ गया, जीरो है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 2 का रूल क्या है, लास्ट नंबर या तो इवन हो या फिर जीरो हो, ठीक है, ये 2 का रूल हो गया। अब बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी की, ठीक है। सभी का योग, अंकों का योग, जितने भी नंबर दिए हैं, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझ लें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे 2, 9, 3, 6। अब हमें पता करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या, इसको टोटल कर लें, मतलब 2 + 9 + 3 + 6, तो कितना हो गया, 6, 3, 9, 9, 9, 18, 19, 20, और एक नंबर और लगा दें, 21 हो गया टोटल, ठीक है। और 21 अगर आ जाता है यहाँ, ठीक है, तो क्या होगा, टोटल जो है वो 21 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 21 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या है कि पूरा नंबर जो है, मतलब ये वाली जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं कि जब विभाजित करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, हो सकता और बड़ी संख्या हो, तो आपको रूल समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाली संख्या विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 3 का और 9 का रूल एक जैसा ही है, इसलिए उसके बाद हम बता रहे हैं आपको इसी के साथ 9 का रूल क्या है। तो डिवाइडेड बाई 9 कर दो, इसमें भी क्या है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। मतलब अगर हम एग्जांपल ले लें इसका कि 6, 1, 2, 9, 3, 6, मान लो हमने ये ले लिया, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करिए, 6 + 1 + 2 + 9 + 3 + 6, टोटल कर दीजिए, ये हो जाएगा 9, 9 × 18, 19, 20, 21, 21 + 6, 27। अब देखिए ये 27 जो है 9 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये मेन रूल हो गए किसके, 3 के हो गए, 9 के हो गए, 2 के हो गए, ठीक है। अब इसके आगे बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ही आराम से समझा रहे हैं, अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई तो आप क्वेश्चन है इस पर बेस्ड कैसे आते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद आता है डिविजिबल बाई 4, यानी कि 4 से विभाजन के नियम क्या है। तो अगर लास्ट के 2 नंबर या तो 4 से डिवाइड हो जाए या फिर लास्ट के 2 नंबर 00 हो, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि आखिरी 2 अंक, यानी कि लास्ट 2 डिजिट या तो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, या आखिरी के 2 नंबर 00 हो। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, एग्जांपल मान लीजिए है 5, 8, 3, 9, 1, 2। अब हमें पता करना है कि ये नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 4 से देखने के लिए लास्ट की 2 डिजिट हमें देखनी है, तो ये लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब ये पूरा अंक 4 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम दूसरा एग्जांपल इसका ले लें, 7, 8, 3, 9, 4, 8, 0, 0, देखिए लास्ट में 2 जीरो हैं, इसका मतलब ये नंबर 4 से विभाजित हो जाएगा, बाकी हमें कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसके बाद विभाजन का नियम 8 का, क्योंकि 4 और 8 का नियम एक जैसा है, इसलिए हमने 4 के बाद 8 लिखा है। अब इसमें क्या करना है ये देख लीजिए, कि जहां पर हमने 2 डिजिट ली थी वहां पे हमको 3 डिजिट लेनी पड़ेगी। लास्ट के 3 नंबर या तो 4 से डिवाइड, सॉरी 8 से डिवाइड हो जाए, या लास्ट के 3 नंबर 000 हों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं,
आखिरी तीन संख्या या अंक डिवाइड किससे हो जाए, आठ से, ठीक है, या आखिरी के तीन संख्याएं तीन जीरो हो। एग्जाम्पल समझ लीजिए, 5863251212, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल एक है, हमें पता करना है कि आठ से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो अभी क्या करना है, लास्ट के जो तीन नंबर हैं 512 आठ से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि पूरी संख्या आठ से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा अगर एग्जाम्पल ले लें हम 7832000, अभी के तीन जीरो हैं, इसका मतलब आठ से ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। हमें बाकी कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ लास्ट के तीन नंबर देखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की कि डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5 में लास्ट या आखिरी का अंक क्या हो, आखिरी अंक या तो जीरो हो या फिर जीरो हो या फाइव हो, यानी कि लास्ट डिजिट या तो जीरो हो जाए या फाइव हो जाए। तो देखते ही पता चलेगा कि फाइव से कटेगा कि नहीं, देख लीजिए। जैसा कि 7 8 3 2 5, अब लास्ट में फाइव है, इसका मतलब फाइव से कट जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लें 2 4 6 3 9 0, अब देखिए जीरो आ गया, इसका मतलब ये भी पांच से कट जाएगा, ये भी पांच से कट जाएगा, ये तो हो गया पांच का रूल, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 6 के रूल की। तो इसमें क्या करना है, आपको फैक्टर कर देने हैं 2 और 3, 2 × 3 मतलब 6 होता है, 6 के फैक्टर हो गए 2 × 3। अब आपको क्या देखना है, कोई भी संख्या दी है उसमें दोनों ही रूल अगर अप्लाई होंगे तब वो 6 से कटेगा, अदरवाइज नहीं, कैंसिल होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि एग्जाम्पल हम कोई ले लें 4 5 6 3, तो हमें ये पता करना है कि एक मिनट, 6, हमें पता करना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसमें देखिए 2 से तो होगा क्योंकि लास्ट नंबर इवन है, 2 का तो रूल था, और 3 का क्या रूल था, सबको टोटल करके देख लें, ठीक है। तो ये जाएगा 9 9 18 और 18 और 6 24 आ गया ना, ये 24 आ गया। तो 24 का मतलब ये 3 से कट गया, लास्ट नंबर 2 से कट गया, इसका मतलब टोटल नंबर जो है वो 6 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। मतलब बताने का मतलब ये है कि सब ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे दे दिया 6, अब 6 में मतलब 6 के फैक्टर की है 2 × 3, यानी 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, ठीक है। और इसी की जगह अगर मान लो कोई दे देता है कि 99 से कटता है कि नहीं कटता है, तो 99 के फैक्टर कैसे में 9 × 11, आपको 9 का रूल भी पता है, आपको 11 का रूल भी पता है, तो निकाल सकते हैं। लेकिन 11 का रूल अभी हम बताने वाले हैं, उसके बाद आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 10 की, पहले ये वाला थोड़ी देर में कर लीजिएगा। डिविजिबल बाय 10 में आखिरी अंक जीरो हो, आखिरी अंक जीरो हो तो वो कट जाएगा इससे 10 से, ठीक है। अब 11 का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। इस रूल में एग्जाम्पल से समझाएंगे इस रूल को पूरा, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कि 4 8 3 2 6 5, अब हमें पता करना है कि क्या ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इसमें एक एक नंबर छोड़ के प्लस करना है, यानी 4 + 3 + 6, ठीक है। और दूसरा क्या नंबर है उसको प्लस करना है, 8 + 2 + 5, 8 + 2 + 5, 8 + 2 = 5, इन दोनों नंबर को अलग अलग जोड़ देना है, ठीक। अब इसको जोड़िए, ये हो गया 6 4 10 3 13 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 8 2 10 5 15 हो गया, ठीक। कोई भी नंबर यहाँ पर आए, ठीक। अब क्या करना है कि ये नंबर अगर इनका डिफरेंस मतलब अंतर, यानी कि बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या को माइनस कर दिया जाए और वो माइनस करने के बाद नंबर आ जाए 0, 11 या 11 के गुणज,
11 के गुणज मतलब 11 के मल्टीपल्स, जैसे 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, इस तरह से, ठीक है। तो अगर डिफरेंस या तो जीरो आए या फिर 11 या 11 के गुणज आ जाए तो वो संख्या विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम इस वाले एग्जांपल की बात करें तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया, इसका अंतर, अंतर 2 आ गया, 15 में से 13 माइनस करेंगे 2 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 आया तो इसका मतलब ये विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो ये विभाजित कब हो सकता है, जब इसमें दोनों सेम हो जाए और 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल मान लो ले लें, इसी एग्जाम्पल में कुछ चेंज कर दें, यही एग्जाम्पल, ये नंबर हमने उठा लिए 483265, ठीक है। अब अगर हमको इसमें 15 करना है तो हमें इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और 2 जोड़ने के लिए हम उसके आगे यहाँ पे 2 लगाते हैं, ठीक है। यानी ये अगर एग्जांपल है, हमें इसको पता करना है कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम फिर वही रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 4 + 3 + 6 + 2 टोटल कितना हो गया, 6 × 4 = 10 और 5 = 15, ठीक है। और नीचे वाला जो था 8 + 2 + 5, तो 8 + 2 + 5 टोटल कितना हो गया, 15। अब 15 में से 15 अगर माइनस करेंगे तो 0 आ गया, और 0 आ गया इसका मतलब क्या, ये नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर क्या होगा, विभाजित हो जाएगा 11 से, क्लियर। मतलब ये जो मेन है ये मैंने आपको बता दिए हैं, इससे ज़्यादा आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है कि डिविजिबल बाई 24, अब आपने पढ़ा तो केवल 11 तक का है, डिविजिबिलिटी रूल कहाँ तक की है, 11 तक, लेकिन पूछा क्या गया 24 से डिवाइड होगा, कैसे पता करेंगे आप कोई भी संख्या, तो आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करेंगे हम इसको कैसे, 8 × 3। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है कि हमने 8 × 3 ही क्यों किया, क्योंकि इसके और भी फैक्टर होते हैं, 6 × 6 = 24 हो गया, 12 × 2 = 24 हो गया, 8 × 3 = 24 हो गया, तो इतने सारे फैक्टर बन रहे, तो हमने यही वाला क्यों किया। अब इसमें एक चीज और ध्यान देनी है कि ये वाला फैक्टर ऐसा करेंगे कि इनका HCF जो है वो 1 हो, जैसे ये दोनों नंबर किसी सेम डिजिट से डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप ये लेते हैं तो दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, या फिर अगर आप ये ले रहे हैं तो दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब आपको फैक्टर कौन से लेने हैं, 8 × 3। अब आपको 8 का भी रूल पता है और 3 का भी रूल पता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका क्वेश्चन कोई आ गया 99 वाला, जैसे हमने पहले लिया था, तो 99 में क्या करेंगे, 9 × 11, तो अब इसमें आपको 9 का भी रूल लगाना है और 11 का भी रूल लगाना है, यानी कि जितने रूल हमने आपको करवाए हैं उससे आप सारे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको डेफिनेशंस बताई, साथ में हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स करवाए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और इसका एप्लीकेशन सिखाएंगे। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में और समझ लीजिएगा, क्योंकि वो वाला वीडियो तभी समझ में आएगा जब ये रूल्स आपके आपको याद होंगे और आप अप्लाई करना उसमें सिखा देंगे, तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं और इनका एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तो वीडियो में ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।